नमस्कार दोस्तों पॉलिटी से जुड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की इस सीरीज में मैं शगुन आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस के एस पुतस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ली गई एक लैंडमार्क जजमेंट की जिसे राइट टू प्रिवेसी वोटिंग भी कहा जाता है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बात तब शुरू हुई जब 2009 में यू यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आधार कार्ड बनाने के लिए लॉन्च किया गया आधार एक 12 डिजिट्स का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसे कोई भी इंडियन सिटीजन वॉलेंटरिल ऑप्टेन कर सकता है इसके लिए उसे अपना बायोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक डेटा शेयर करना होता है आज आधार डिजिटल इकोनॉमी को सिंबलाइज करता है जिसने एक आम आदमी के लिए बहुत से एवेन्यूज खोल दिए हैं लेकिन शुरुआती दिनों में आधार स्कीम को सोसाइटी के कुछ सेक्शन से ह्यूज क्रिटिसिज्म मिला उनके हिसाब से आधार लोगों के राइट टू प्रिवेसी के साथ इंटरफेयर करता था जिसके चलते 2012 में कर्नाटका हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस के एस पुत्रस्वामी एंड अदर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल की जस्टिस पुत्र स्वामी का कहना था कि राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट right है दूसरी ओर यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना था कि राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट right नहीं है अर्लियर जजमेंट्स जैसे कि एमपी शर्मा केस में एट जजेस बेंच और खड़क सिंह केस में सिक्स जजेस बेंच ने राइट टू प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट right नहीं माना था लेकिन कुछ छोटे बेंचेस ने राइट टू प्रिवेसी को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दी थी जैसे कि मेनका गांधी केस में हुआ था अभी यह केस सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था कि 2016 में पार्लियामेंट ने आधार एक्ट को पास कर दिया इस एक्ट को चैलेंज करने के लिए इन पेटिशनर्स ने एक और रिट पेटिशन फाइल की उनका कहना था कि आधार एक्ट राइट टू प्रिवेसी को वायलेट करता है आधार कार्ड के लिए बायोमेट्रिक डेटा को कलेक्ट करने और उसे मैंडेटरी कर देने से राइट टू प्रिवेसी वायोलेट होता है आधार एक्ट के अकॉर्डिंग ये डेटा बैंक गवर्नमेंट ऑफिस के साथ साथ और भी कई डिपार्टमेंट्स जैसे कि स्कूल और इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ शेयर किया जाएगा ऐसे में इसके मिसयूज होने के चांसेस बढ़ रहे थे राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट right है या नहीं इसे डिसाइड करने के लिए नाइन जजेस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक देते हुए राइट टू प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट right का दर्जा दिया कोर्ट का कहना था कि राइट टू प्रिवेसी को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 और पार्ट थर्ड के अंडर प्रोटेक्ट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा पास की गई कोई भी लेजिस्लेशन इसे वॉयलेट नहीं कर सकती वही आधार एक्ट की वैलिडिटी को डिसाइड करने के लिए फाइव जजेस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 26 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की वैलिडिटी को अपहेल करते हुए कहा कि डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करने से किसी के भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होते लेकिन इस एक्ट के कुछ सेक्शंस को इनवैलिडेट कर दिया गया जो प्रोविजंस आधार को स्कूल्स और बैंक्स एटसेट्रा के साथ लिंक करने की बात कर रहे थे उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया दोस्तों यहाँ यह जान लेना भी जरूरी है कि इस केस में सेक्शुअल ओरिएंटेशन को भी राइट टू प्रिवेसी का एक अहम हिस्सा बताया गया जिसके चलते नवतेज सिंह जौहर 377 को रिपील कर दिया गया तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की इस हिस्टोरिकल जजमेंट ने राइट टू प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया और आधार एक्ट के उन प्रोविजन को भी स्ट्रक डाउन किया जो लोगों की प्रिवेसी को खतरे में डाल रहे थे उम्मीद करती हूं कि आपको यह वीडियो यूजफुल लगी होगी क्वालिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रीफ में समझने के लिए जुड़े रहिए स्टडी आईक्यू एजुकेशन से थैंक यू फॉर वाचिंग।